स्पीड कम करनी है या ज्यादा करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास टूल आता है, वो हमारे पास एज ए स्क्रबिंग आता है, ठीक है। और ये जो तरीके इसको मैं आप जैसे बता रहा था उसको हम बंद कर देंगे तो इसका स्क्रबिंग आता है। और इसको आप जब स्किन के साथ टच करते हैं इसकी कंपेसिटी होती है, और इसकी कंपेसिटी कहाँ लिखी होती है, ये मेरे जीरो नजर आ रहा है मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 जिस तरह की स्किन होगी उतने यहाँ पास जाते हैं। अब इसको स्किन के ऊपर लगा के देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। अब इसको पकड़े हाथ लगा के चेक करें, ऐसे सर करके चेक करते हैं, साइड से आता है कुछ नहीं होता हार्ड है। लेकिन अभी इसको दोबारा देखें, अब देखें इसी तरह हार्ड लगा है। अब लग रहा है पहले इसकी कंपेसिटी मैंने हाई की थी 9 पे, अब मैंने सॉफ्ट की है। अब इसको हाथ लगा के देखें आपका फील आएगा कुछ, लेकिन यह है कि इसमें फर्क नहीं आया। वो जिस तरह की आपकी बॉडी कह रही होगी किसी की स्किन हार्ड है तो फिर आपने इसकी कंपेसिटी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये 1, 2, 3 ऑप्शन बन गए। अब इसकी मैंने 4 पे कर दी है, ठीक है। अब इसको देखो हाथ करें आपको गर्म लग रहा है, आप फील हो रहा है। आप इसको जितना मर्जी सॉफ्ट कर सकते हैं हार्ड कर सकते हैं, ये आपके हाथों में, ये नहीं बेटा इसमें बेसिक जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर इन चीजों से काम करते हैं। हम भी एज ए डॉक्टर बन गए तो हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। और जब तक हमें इन चीजों का पता नहीं होगा हाइड्रा हमारे लिए बेकार है। हम इससे अच्छा है कि हम सिंपल फेशियल कर ले, वो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको इसका तीसरे नंबर पे जो ग्रूप बताने वाला हूँ वो आपको मैं भी बताऊँ देख सकते, ठीक है। और ये क्या रोल अदा करता है, इसके अंदर से जितने हमारे डार्क सर्कल होते हैं, ब्लैक जो पॉइंट्स बने होते हैं, ब्लैक सर्कल होते हैं, उनको रिकवर करता है, उनको बाहर निकालता है। जैसे भी हमारी बॉडी के अंदर वो हम कहते हैं ना वो बड़े बड़े निकल जाते हैं वाइट हेड या ब्लैक हेड्स वो निकल आते हैं, तो इसको हम निकालने के लिए स्क्रबिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो हम सिंपल कैजुअल फेशियल्स कर रहे होते थे जैसे कि आज से पहले हम कर रहे थे उनमें और उनमें और भी फर्क बहुत है, उसकी भी मैं ग्रूमिंग आपको बताऊँ। अब इसका पॉइंट जिससे कि आप देखेंगे अब कौन है कौन है, तो इसका भी एक 1, 2 इसको आप जितनी स्पीड करना चाहें इसके अंदर, जैसे मैंने बताया था अभी मैंने 6 पे किया, ठीक है। और जैसे आप इसको बॉडी के ऊपर रखोगे तो आपके अंदर वाइब्रेट भी आपको नजर आएगा, इसमें वाइब्रेट हो। आप इसको हार्ड भी कर सकते हो, जैसे बात इसकी टोटल कंपेसिटी जो है ना अभी आप चेक करेंगे तो ज्यादा हिंट हो। अब ऐसे ऐसे इसको नॉर्मल करते हैं तो डेंस फाइट करती है, इसकी हीट होगी और वाइब्रेशन या वाइब्रेशन चलिए 0 पे हो गया। प्लस इसको कौन सा सेंसर पार्ट है ताकि इसके ऊपर आप क्या आप नजर आ रहा है ये मैंने इसको अब इसको हाथ में लगा के देख। अच्छा जो हमने पहले वर्क किया था वो क्या था, आपकी बॉडी में सबसे पहले हमने नसाम खोले, और दूसरे नंबर पे हमने अगर खुले थे तो उसके अंदर से जितने हमारे डार्क सर्कल थे ब्लैक हेड्स थे वो सॉफ्ट हो गए थे, और उसके बाद हमने एसएफटी कोड से किया स्क्रब से किया उसको निकाल दिया सॉफ्ट होने के बाद। अब हम बॉडी को कूल करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। और जितने हमारे में साम दिखने में हमें नजर नहीं आ रहे थे, जैसे मैंने कल बताया था कि बहुत छोटे पॉइंट्स में होते हैं और वो नजर नहीं आते, तो उनको बैलेंस करने के लिए जो एक्स्ट्रा खुल जाते हैं तो उनको क्लोज करने के लिए ही हमारा टूल स्कोर अदा करता है कि निशान जो खुले होते हैं पोर्स खुले होते हैं तो उनको जो
क्लोज करता है तो वो ये आपका रूल्स जो एंटी एजिंग साइड पे लेके जाते हैं सबसे क्लोज करने वाला ये आपका रूल्स काम करता है। ठीक है, जिनके भी सांप खुले हैं वो आप स्किन को वैसे रखोगे और उनको ऐसा 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 प्रेस करोगे तो आपकी बॉडी के ऊपर जितने पोर्स ओपन है वो ऐसा ऐसा सर्कल कर जाएंगे, बात करते जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ये फिशल नहीं है कि आप आज करवा लो और दोबारा आप ना करवाएंगे तो कुछ नहीं, कोई हमारे फिशल वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। फिशल जितने भी होते हैं वो टोटल आपके ऐसे ट्रीटमेंट ही होते हैं, लेकिन बेसिक ये चीज़ें ये उनमें सबसे स्पेशल होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो मैं आपको अभी डेमो करके दिखाऊंगा और इसके बाद ये जो हमारे पास आता है ये भी एंटी एजिंग को रिकवर करता है। इसकी जो कैपेसिटी है इसकी भी कैपेसिटी उसी तरह की है जैसे कि हम पहले बाकी चीज़ों में बता रहा, लेकिन इसका जो आपके यहाँ पे विंकल आते हैं मतलब वो जैसे इंसान क्लोज करता है हर टूल्स का एक अपना अपना अलग अलग फार्मुलेशन है। ठीक है, जैसे क्रीमियर अलग अलग होती है इसी तरह इसका फार्मुलेशन भी अलग अलग होता है। अब ये जो रोल अदा कर रहा होता है इसकी जो हम कैपेसिटी स्कोर करें इसकी भी कैपेसिटी उसी तरह जैसे हमने पहले रखी थी स्किन के अकॉर्डिंग, जिस तरह की अगर पहले होता था कि आप ये 18 साल की एज को नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्होंने एक सारी ऑप्शन दी हुई है हम इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं हार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने वाले पे डिपेंड करता है इसको करना आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इसको जहाँ जहाँ पे हमारे एंटी एजिंग की चीज़ें होंगी जैसे कि ये रिंकल होते यहाँ पे इसको जी बिल्कुल इसको हल्का स्किन को टाइट करके हम उसके ऊपर इस तरह इसको मसाज कर देंगे जैसे कि नोज के ऊपर तो हम पेपर आप मसाज कर इसको इस तरह भी किया जा सकता है। जिस तरह हम जहाँ जहाँ पे भी हमारी लाइन्स होंगी हम वहाँ वहाँ इसको मसाज करें और इसी का मसाज जहाँ जहाँ रिंकल होगी वहाँ वहाँ